ग्रिंग्स टॉपिक है आज उनका दिल क्या कहता है। ठीक है, दिस इज द टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ठीक है, इसके लिए हमने टोटल लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहला ये टैरो, सेकेंड इज द फॉर्चून कुकीज एंड थर्ड इज ओरेकल मैसेजेस। लेट्स कनेक्ट विथ द टैरो, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो एंड लेट्स फिगर आउट द कार्ड्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या आती है रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू व्हाट। पहला जो कार्ड है दैट्स वेरी पॉजिटिव, 6 ऑफ वंड्स यानी कि एरीज लियो सैज फायर साइन का ये कार्ड है एंड दैट्स वंडरफुल थिंग फॉर इट। जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इट्स ऑल अबाउट विक्ट्री सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी खुश मिजाज तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने वाला है, जैसे कि हमने सुबह वो क्या सोच रहे हैं उस रीडिंग में भी देखा था। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक रीडिंग फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन, मतलब ज़िंदगी बहुत ही शान और शौकत से जी रहे हैं ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड हो सकता है, जैसे कि दोपहर का वक्त हो सकता है कि भाई अगर कोई एक ज़रूरी काम करना है तो दोपहर के वक्त ही करना है या फिर शाम के वक्त किसी से मिलना है एंड तब कुछ कहना है, तो रोमांटिक वाली सभी फीलिंग्स यहाँ पे मिल सकती हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो द डेविल कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यहाँ पे आ गया अर्थ साइन, क्योंकि डेविल अर्थ साइन का यहाँ पे होता है, कैप्रिकॉर्न, तो क्यों ऐसा ये कार्ड सेकेंड। वेल देखो, ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। जैसे कि मान लो अगर उनको गेम खेलने को ज़्यादा नहीं मिली है एंड गेम खेलना उनकी काफ़ी आदत है, या फिर छोटी मोटी अगर गैम्बलिंग वो करना चाहते हैं, या फिर समवेयर इज़ लाइक यू नो ये पर्सन अगर क्या उसे कहते हैं समवेयर मोर थिंग्स टू डू, जैसे कि आज सिर्फ अपने मन की बातें करनी है, तो कहीं ना कहीं अपने मन की वो सुन रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डेवलिश काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है। दैट्स नॉट अ बैड एट ऑल, बस थोड़ा सा कैसे कि थोड़ा सा ज़्यादा हटी आज वो बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ वंड्स, अबाउट गैम्बलिंग इज़ लाइक यू नो कि अगर कोई ऐसे गेम्स वो खेलना चाहते हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेम्स है जिसमें लोग पैसे यू नो लगाते हैं वगैरह, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। नाइट ऑफ वंड्स है यहाँ पे एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द फायर साइन ऑल अगेन बैक एंड दिस इज ऑल अबाउट गेटिंग प्रिपेयर एंड गेटिंग रेडी फॉर समथिंग। आई थिंक ये पर्सन उसके लिए रेडी है एंड दैट इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन क्या करना चाहता है। आई थिंक वो आपको बहुत प्यार से बताना चाहता है कि ये पर्सन आज बहुत ही हैप्पी मूड में है एंड द पर्सन कैन डू एनीथिंग फॉर यू। जो भी आप इनको कहोगे कि आज रेस्टोरेंट जाना है, यहाँ जाना है, वो करना है, वो सब करने के लिए आज रेडी है, तो कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिश ये पूरी करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। नाउ जो फोर्थ कार्ड है वो सेवन ऑफ कप्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दैट्स द वन, भाई कौन सी चॉइस करूँ, ये इस मुश्किल में पड़ सकते हैं। चॉइसेस इनको बहुत मिल सकती हैं, यानी कि भाई कहाँ पे जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, ये सभी बातें यहाँ पे आ सकती हैं। एंड जो फिनाले कार्ड है यहाँ पे वो है टू ऑफ सोर्ड्स यानी कि जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। तो टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ चुका है, तो फाइनली जो निर्णय होगा वो आप दोनों को ही लेना होगा, कोई तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं आएगा। सो एट द एंड यू कुड से, जैसे कि मानो आपको कोई चीज़ खरीदनी है, चाहे गाड़ी खरीदनी है, चाहे आपको कहीं घूमने जाना है, चाहे आप बैठ के बातें कर रहे हो, तो यहाँ पे सिर्फ आप दोनों की ही बातें चलेगी, तीसरा कोई भी पर्सन बीच में नहीं आएगा, ये बातें ये सोच के बैठे हैं। दैट इज़ गोना बी हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड, ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द ट्रू। और अब देखते हैं फॉर्चून कुकी से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, चुनते हैं एक कार्ड फॉर देम, लेट्स कनेक्ट टू इट। यस, ये आ गया है कार्ड एंड ये कार्ड है अपॉर्चुनिटीज़। ओके, ये वाला कार्ड आ गया उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़। एन इम्पॉर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर्ड एंड ड्रेस टू इम्प्रेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके ज़िंदगी में हो सकती है, मे बी आज आप ही उनको प्रपोज कर दो हो सकता है, या फिर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मीठी बातें, या फिर यू नो घर से इंटरव्यू करना, कि मोस्टली जो IT में है वो सैटरडे को इंटरव्यूज वगैरह करते हैं, बिकॉज राइट नाउ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वगैरह, अगर पॉसिबल है तो शायद ऐसी चीज़ें आज इनके साथ हो सकती हैं। एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विथ द ओरेकल, देखते हैं ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। 2 कार्ड तो मिल गए और 2 मिल गए, और अब देखते हैं एक और कार्ड क्या आता है फ्रॉम द ओरेकल वर्ल्ड इटसेल्फ। ठीक है, बस एक कार्ड हमें चाहिए एंड दैट्स व्हाट वी गोना यस चूज एंड हियर वी गो। ये आ गए हैं टोटल 5 कार्ड, देखते हैं क्या आता है रीडिंग।
तो पहला जो कार्ड है, अगेन देखो अपॉर्चुनिटी आ गया है यहाँ पे भी आ गया अपॉर्चुनिटी टू हील। तो कहीं ना कहीं ये कोई ऐसी बात कर सकते हैं बिकॉज ऑफ विच किसी को बहुत आसानी हो सकती है। तो आज शायद हीलिंग का रोल भी कर सकते हैं भी अगर इनके आपको मिलने से, बातें करने से आपको अगर धीरज आने वाला है या फिर अगर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है तो ये हो सकता है। मे बी ये किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं किसी चीज़ में, चाहे वो छोटी मोटी छोटा सा ही कोई मतलब छोटी सी चीज़ हो, लाइक बिजली का बिल भरना हो या फिर किसी को हॉस्पिटल में लेके जाना हो, ऐसी चीज़ें ये कर सकते हैं, किसी को बहुत सारी हेल्प हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड है वो डिफ़िकल्ट चॉइस। तो डिफ़िकल्ट चॉइस जैसे कि हमने सेवन ऑफ कप्स देखा था जहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस होती है, यू नो आपको बहुत सारे कप्स दिखते हैं वहाँ पे चॉइस। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू एग्जैक्टली, सो इट्स ऑल अबाउट दैट में डिफिकल्ट चॉइस। ये पर्सन बिल्कुल वही करने का सोच रहे कि करूँ तो क्या करूँ। ओके एंड मुझे वो एक क्वेश्चन याद आ गया था, एग्जाम्पल कि एक यू नो डॉक्टर हैं एंड एक मरीज़ है, आप हो समथिंग लाइक दैट, और आप गाड़ी से जा रहे हो, यस, एंड आपको वहाँ पे एक लड़की दिखी जो बारिश में भीग रही है, तो आप ऐसे क्या करोगे कि यू नो सब लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। तो एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन फाइनली आंसर मिलता है, जिसने भी जवाब दिया उसको जॉब मिल गया था। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट गेटिंग द राइट चॉइस। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अगेन हीलिंग। तो काफ़ी हीलिंग की बातें आज हो रही हैं, तो हीलिंग की अगर बातें कर रहे हैं तो आई थिंक इनका दिल का हील होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आपका रिलेशनशिप कहीं हीलिंग स्टेज पे पहुंच चुका है, यू नो जैसे कि मे बी हफ्ते भर आपने कम्युनिकेशन नहीं किया, कम हो गया, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गैप हो गई, या फिर आपने एक दूसरे को तवज्जो नहीं दिया, किसी और की ही बात मान ली, पता चला वो झूठा था, एंड अब आप इनसे कैसे मिलोगे, ये सब अगर बातें हैं तो हीलिंग शुरू हो गई है। धीरे धीरे हीलिंग शुरू कीजिए, डू द मैनिफेस्टेशन एंड चीज़ें वर्क करेगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है कैरिंग बैगेज, एंड फाइनल जो कार्ड है वो परफेक्ट टाइम। तो ये दो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। कैरिंग बैगेज का मतलब है कि दिल पे पत्थर रखना या फिर दिल पे बहुत सारा बोझ लेना, ये कहीं ना कहीं हो सकता है। मे बी दिस पर्सन यू नो इज़ गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना है, या तो बहुत सारा जो बोझ है, टनों का बोझ हम कह सकते हैं, उसने अपने दिल पे रखा है कि आप क्या कहोगे, आपका जवाब क्या होगा, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया तो आपको कैसे वो सॉरी कहेंगे। तो ऐसी कई सारी बातें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। हालांकि मे बी यू कुड हैव सेड इट्स ओके टू देम एंड यू आर रेडी टू मूव ऑन विद देम। ठीक है, एंड जो फिलहाल लेकर परफेक्ट टाइम, यानी कि एक सही मौके की तलाश में है वो। जैसे वो सही मौका मिले तो तुरंत आपसे मिलने के बारे में वो सोच रहे हैं, शायद आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प ले रहे हैं, या फिर खुद डिसाइड कर रहे हैं कि जब वो सही मौका आएगा तभी आपसे मिलेंगे और आपकी सारी शिकायत दूर कर देंगे। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।